हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू, एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रीमान इंटीग्रेशन। तो रीमान इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक्स है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, आप सभी ने इंटीग्रेशन तो अच्छे से सुना था, 11th 12th में हमने इंटीग्रेशन करना सीखा था, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स के कई हिस्से पे हम इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, खास करके जब हमें एरिया फाइंड करना होता है। तो ये रीमान इंटीग्रेशन क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आज हम देखेंगे क्या होता है और इंटीग्रेशन से क्या रिलेशन है, इसको हम समझेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले न्यूटन ने बाद में किसी भी एरिया को फाइंड करने के लिए एंटी टेंजेंट का कॉन्सेप्ट दिया था, प्रति स्पर्श रेखा। तो उसी प्रति स्पर्श रेखा के अवलोकन के आधार पर क्या किया था, चीजों को जोड़ा जाता था, उसको हमने कहा था बाद में इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो ये क्या कहलाया, जो काम है, जो भी रिजल्टेंट है, उसको इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। और जो भी प्राप्त होता था पहले, उसी को ही हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, ठीक है। पहले डेरिवेटिव था, उसको हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, एंटी डेरिवेटिव बन गया। न्यूटन के बाद इस पर विशेष काम किया था स्टूडेंट्स गॉटफ्रिड लेबनीज ने। उसके बाद इसी इंटीग्रल को बर्नहार्ड रीमान, जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, इंटीग्रेशन को लेकर नया कॉन्सेप्ट लाया स्टूडेंट्स। ये जो कॉन्सेप्ट थे इंटीग्रेशन का, ये ज्यामितीय अवधारणा पर निर्भर था। जिस प्रकार से हम एंटी टेंजेंट की बात करते हैं, तो एंटी टेंजेंट जो होता है एक ज्यामितीय परिकल्पना का आधारशिला है स्टूडेंट्स, जिसके माध्यम से बहुत सारे कैलकुलेशन करके हम जो किसी एरिया है उस एरिया को हम फाइंड करते थे। लेकिन रीमान ने कुछ अलग सोचा, किसी इंटरवल पर उसने इंटीग्रेशन करना चाहा, और उसी इंटीग्रेशन पे किस प्रकार से अपर बाउंड लोअर बाउंड होता है, अपर रीमान सम लोअर रीमान सम, इन सारे कॉन्सेप्ट के माध्यम से इंटीग्रेशन को उन्होंने आसान कर दिया। अर्थात ये जो रीमान इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन ही है, लेकिन पहले जो इंटीग्रेशन था वो ज्यामितीय परिकल्पना पर आधारित था, जबकि ये ज्यामितीय परिकल्पना पर आधारित नहीं है। ये आपका लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम, अर्थात किसी फंक्शन के लिए अपर बाउंड लोअर बाउंड की जो अवधारणा है, उस पर ये आधारित था स्टूडेंट। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है इंटीग्रेशन, जब आपको इंटरवल दिया हो। इंटरवल पर खास करके हम रीमान इंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स, रीमान इंटीग्रेशन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है, उन कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे, और इन चीज़ों को आपको ध्यान से लिखना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। यदि आपको समझ नहीं आता है तो क्वेश्चन कर सकते हो, वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में आप जाके कॉमेंट कर सकते हो, वीडियो दोहरा कर देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, हमारे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इंटरवल। इंटरवल आप बचपन से पढ़ रहे हो। इंटरवल दो प्रकार का होता है, एक होता है ये ओपन इंटरवल ए बी, राइट, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इस प्रकार से मैं ए बी अपने स्वेच्छा के लिए ले रहा हूँ। ए बी कहने का मतलब क्या है, ये टर्मिनल है, ये अंतक बिंदु कहलाते हैं। यदि ये दोनों शामिल ना हो, इनके मध्य चीजें शामिल होती हैं, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, ओपन इंटरवल। ये खुला अंतराल है, क्योंकि ये दोनों शामिल नहीं होंगे, उनके अंदर की चीजें शामिल होंगी। अंतक बिंदु जब शामिल होती हैं, टर्मिनल पॉइंट जब शामिल होती हैं, तो ये जो इंटरवल है, इसी इंटरवल को क्या कहते हैं हम, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। तो हम यहां पर क्लोज्ड इंटरवल का उपयोग करेंगे रीमान इंटीग्रेशन में। ओपन इंटरवल का कोई काम नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल से कैलकुलेशन कठिन हो जाता है स्टूडेंट्स, ठीक। अब हम समझेंगे पार्टीशन क्या होता है। इंटरवल का पार्टीशन क्या होता है, इंटरवल को अगर हम छोटे छोटे भाग में तोड़ दिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास 0 और 1 है, राइट, आपका ये जो इंटरवल होता है, याद रखिएगा इंटरवल हमेशा रियल लाइन पर ही कोशिश करते हैं समझाने की। तो सपोज दैट ये रियल लाइन है, पूरा R है, रियल लाइन है R। अब यहाँ पर 0 है, कहीं पर यहाँ पर 1 होगा, कहीं पर -1 होगा, इस प्रकार से सारी चीज़ें होंगी। तो ये क्या है, एक दायरा है फिक्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, एक इंटरवल बोलेंगे। अब देखिए रियल लाइन में ये इंटरवल है 0 से 1, ये क्या है 0 से 1 आपके पास ये इंटरवल है। अब बताइए क्या इस इंटरवल को और छोटे छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है स्टूडेंट्स। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 0 और 1 के बीच में अनंत और जो वास्तविक संख्या है मौजूद है, इनफाइनाइट रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं इनके बीच में, पॉइंट में है, अपॉन में लिख सकते हैं, 1/2 क्या है, इसी के बीच में है, बहुत सारे छोटे छोटे नंबर है, जैसे कि 0.1 0.5, बहुत सारे नंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनको छोटे छोटे भाग में तोड़ सकते हैं ना, छोटे, जैसे कि 0 से लेकर 1/2, ये क्या है, एक छोटा सा सब इंटरवल बन गया, समझ आ रहा है ना। इसी प्रकार से कोई क्लोज्ड इंटरवल को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना
और वो जो तोड़ने के बाद जो भी एक सेट बनेगा, जैसे कि इसको तोड़ा जाएगा बहुत सारे नंबर्स हैं, तो उसके जो सेट्स हैं उन्हीं सेट्स को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं। जैसे कि ए से बी है, तो ए से बी के मध्य में अनंत नंबर हो सकते हैं, यदि ये क्या है, इंटरवल है, एक रियल लाइन है, तो ए बी की जगह कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी रखना चाहो, कोई भी दो नंबर लेंगे रियल लाइन पे तो उनके मध्य में हमेशा अनंत नंबर और मौजूद होंगे। ए से बी तक जितने भी नंबर्स हैं उनका जो कलेक्शंस हैं या सेट है उसे सेट को हम क्या कहते हैं, पार्टीशन कहते हैं। देखिए समुच्चय लिखा हो ना, सेट है, ठीक। अब इसी इंटरवल से हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट ले लेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, सब इंटरवल। जैसे कि सब इंटरवल एक्स नॉट से एक्स वन, ए बराबर एक्स नॉट क्यों लिए हैं, क्योंकि ये शुरुआती बिंदु है, शुरुआत होगा ए से, खत्म होगा कहां पर, बी पर, है ना, तो हमने शुरुआत किया है इसलिए एक्स नॉट, तो एक्स नॉट क्या है, ए के बराबर है, यही शुरुआत होगा, फिर एक्स वन एक्स टू एक्स एन मतलब अंत वाले बिंदु क्या होगा, बी होगा। इस प्रकार से हमने पूरा इंटरवल को तोड़ के रख दिया है, इसी को हम पार्टीशन कहते हैं, और हर एक छोटा छोटा हिस्सा इसका क्या कहलाता है, उप अंतराल कहलाता है, सब इंटरवल कहलाता है। जैसे कि एक्स वन से एक्स टू एक सब इंटरवल है, तो स्टूडेंट्स जनरल फॉर्म में लिखते कैसे हैं, जनरल फॉर्म में लिखते हैं IR, इंटरवल का क्या है, सब इंटरवल। जैसे कि I1 लिखेंगे, मतलब R के जगह 1 रख दीजिए, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, R के जगह 1 रखने पर X0 से X1, आप यहां पर 2 रखोगे, मतलब सब इंटरवल नंबर 2, तो सब इंटरवल नंबर 2 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहां पर R के जगह 2 रखोगे तो X1 X2, इसी प्रकार से बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे, तो उसको जनरल फॉर्म में हम इस प्रकार से दिखाते हैं, IR = X R-1 जो छोटा बिंदु है तो पहले आता है, फिर XR बड़ा बिंदु, ठीक है। इस प्रकार से सब इंटरवल हमको मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स किसी इंटरवल की जो लेंथ होती है वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, जैसे कि ये बड़ा है, बड़ा से छोटा घटा दो, है ना। और जब लेंथ लेना होता है तो आप पढ़े हो फिजिक्स में भी क्या करते हैं हम लोग, मोड लेते हैं, तो बड़ा बिंदु क्या है, XR माइनस में क्या हो जाएगा, XR-1, दोनों को आपस में घटा देंगे, जो पॉजिटिव मेजरमेंट होगा उसी पॉजिटिव मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, उसका लेंथ कहते हैं। डेल एक्स आर क्या है, लेंथ कहलाता है, याद रखिएगा, इसका हम बार बार उपयोग करेंगे। किन किन चीजों का उपयोग करना है, एक तो अंतराल की लंबाई, उपअंतराल की लंबाई और विभाजन, इंटरवल, ये जितने भी मैंने शब्द उपयोग किया है सारे का बार बार यूज करते रहना है, तो अच्छे से पढ़िए अच्छे से समझिए। उसके बाद हम आ जाएंगे नॉर्म या फिर मेस। तो पार्टीशन का जो नॉर्म होता है स्टूडेंट्स, ये जितने भी सब इंटरवल है, सब इंटरवल में से सबसे बड़ा जो सब इंटरवल होगा अर्थात जिनकी लंबाई सबसे बड़ी होगी उसी को उसको क्या कहते हैं, मेस कहते हैं, राइट। यहाँ पे लिखे है मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल, ये क्या है, सब इंटरवल का लेंथ, तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल को क्या कहते हैं, नॉर्म कहते हैं उस पार्टीशन का। अब देखिए स्टूडेंट्स लोअर एंड अपर बॉन्ड, लोअर और अपर बॉन्ड क्या होता है, तो सब इंटरवल पे ही काम करेंगे हम पूरा, तो इसी पर्टिकुलर सब इंटरवल पर जो कोई फंक्शन होगा, फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू क्या कहलाती है, उसका लोअर बॉन्ड कहलाता है उस फंक्शन के लिए, राइट। और इसी सब इंटरवल के अंदर में मान लो आपका कोई फंक्शन है, वो फंक्शन की सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो क्या कहलाता है, उसका अपर बाउंड। जैसे कि हम देख सकते हैं x बिलोंग्स टू सब इंटरवल, x बिलोंग्स टू सब इंटरवल, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे रखा जाएगा एफ एक्स के लिए, फंक्शन आपको पहले से दिया रहेगा, जैसे कि आप देखिए x square क्या है, फंक्शन, तो इसी इंटरवल के अंदर में जो भी बिंदु होंगी उसी को रखना होगा एक्स स्क्वायर के जगह पे, इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन की वैल्यू कहते हैं। तो फंक्शन की इन वैल्यूज को ही अपर बाउंड लोअर बाउंड कहते हैं, आपने अच्छे से समझ लिया स्टूडेंट्स। आपका स्टूडेंट्स लगभग 70% काम हो चुका है रीमान इंटीग्रेशन को समझने के लिए, इनको और अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में अच्छे से लिख लो स्टूडेंट्स। अब लास्ट में देते हैं स्टूडेंट्स इस पूरे यूनिट का हथियार, वो है रीमान योग, ठीक है, रीमान सम। तो ये दो प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, लोअर रीमान सम और अपर रीमान सम। तो लोअर रीमान सम क्या होता है देख लेते हैं। लोअर रीमान सम का नोटेशन होता है LPF, F मतलब क्या, फंक्शन, जिसका इंटीग्रेशन करना है वो फंक्शन क्या है, F है, जो कि फंक्शन हमेशा क्या होता है, एक बॉन्डेड फंक्शन होता है। जैसे कि आपको परिभाषा लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, मान लो कोई अंतराल का पार्टीशन क्या है, P है, विभाजन P है, तथा F क्या है, कोई परिबद्ध फलन है, तब हम बोलेंगे निम्न रीमान योग LPF। तो निम्न रीमान योग क्या होता है स्टूडेंट्स, लोअर रीमान सम एक प्रकार का क्या होता है, सम ही होता है, योग ही होता है, है ना। योग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू 1 से n, R मतलब क्या है, जो सब इंटरवल सेलेक्ट करते थे ना उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे, तो R इज इक्वल टू 1 से कहां तक जाना है, n तक जाना है। तो स्टूडेंट्स आपने जो लोअर बॉन्ड लिया था, लोअर बॉन्ड का अगर हम इंटू कर दे, लोअर बॉन्ड एम आर इंटू
डेल्टा एक्स आर। डेल्टा एक्स आर मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ सब इंटरवल, राइट, अपर रिमांसम। तो अपर रिमांसम को लिखते हैं यूपीएफ नोटेशन, जहां पर पी क्या है? पार्टीशन है फंक्शन के लिए उस इंटरवल पर, और एफ क्या है? वही फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन किया जा रहा है, और ये भी क्या है? रिमान योग लिखे हैं, क्योंकि ये क्या है? ऊपरी रिमान योग, अपर रिमान सम। तो एक प्रकार का सम है, और सम कहां से कहां तक? R इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। और यहां पर स्टूडेंट्स हम कैपिटल एम आर, मतलब कैपिटल एम आर क्या है? एक अपर बॉन्ड है, अपर बॉन्ड का इंटू कर देंगे डेल्टा एक्स आर के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? उच्च रिमान योग मिलेगा। एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स, लोअर रिमान सम क्या होता है? किसी सब इंटरवल के लोअर बॉन्ड तथा उस सब इंटरवल के लेंथ को हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें और उसको एन तक ऐड कर दें, तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है लोअर रिमान सम। उसी प्रकार स्टूडेंट्स सब इंटरवल पे उस सब इंटरवल के अपर बॉन्ड, देखिए कैपिटल एम आर, यहाँ पे लोअर बॉन्ड था, यहाँ पर अपर बॉन्ड, अपर बॉन्ड तथा उसके लेंथ को हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद उसको एन तक एड कर दें, तो ये जो एडिशन है, ये जो योग है, यही योग क्या कहलाता है? रिमान योग कहलाता है, रिमान सम कहलाता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि जो भी हमने पढ़ा वो आपको अच्छा लगा होगा, आपने समझा होगा और आपने कॉपी में नोट किया होगा। आपसे पुनः मुलाकात करूंगा स्टूडेंट्स इसके आगे वाले टॉपिक्स के वीडियो में, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।